नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम स्ट्रीट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्दी आपका नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ, ये आपका डिविजिबिलिटी भी मैं ही कंसीडर कर सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसके ऊपर जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं या फिर जो अभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं जो आ सकते हैं वो हम करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, राइट, और समझेंगे बेसिक्स की हम ये जो आपके फॉर्मूले हम डायरेक्ट आप यूज़ करते हैं, जो क्वेश्चन में आप रटते हैं एक तरह से, वो आपको किस तरह से उसका बेसिक क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो बच्चे हैं, राइट, जो बिगनर्स हैं, इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने का और ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाने का। और जैसे मैंने बोला था आपको, मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको कवर कराऊंगा जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है, जब आपका नंबर सिस्टम मैं बोलूँगा ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो पाएंगे, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, और आप देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, अगर आप सीरियस मन से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, इसका थोड़ा बेसिक जानना हमें इसलिए ज़रूरी होता है, अभी मैं बताऊंगा उसके एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, राइट, अगर हम किसी टर्म, ठीक है, ये आपका एक्स है प्लस वाई है, इसकी पावर एन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, इसे हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, एक तरह से एक्सप्रेशन होता है, हम लिखते हैं एन सी, जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक्स की पावर एन और वाई जो सेकंड टर्म की है वाई की पावर एन माइनस वन, ठीक है, इस तरह से प्लस एन सी जीरो के यहाँ पे आपका वन हो जाएगा, मतलब आपका एन सी जीरो वन टू, ये आपका एक एक इंक्रीज होता जाता है, और एक्स की पावर वन से डिक्रीज होती जाती है एन माइनस वन, वाई की पावर एन माइनस टू, ठीक है। फिर अगली नेक्स्ट टर्म होगी एन सी, ये आपका टू हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस टू, राइट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे वाई की पावर जीरो, ये इंक्रीज करेगी वाई की पावर जीरो, वाई की पावर वन, और यहाँ पे आपका वाई की पावर टू। तो इस तरह से आप, ठीक है, एन नंबर्स ऑफ टर्न लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन सी एन, एक्स की पावर जीरो और वाई की पावर एन, ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंडेड फॉर्म है जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ हमें आपको समझना है, ये जो आपका एन सी जीरो एन सी वन एन सी वन, इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशियंट, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, बाइनोमियल कोफिशियंट बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको बस समझना है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना है, राइट। हमने एक्सप्लेन करा तो हमने क्या इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, ये बाइनोमियल कोफिशियंट होता है, तो इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका एन सी जीरो होता है, तो इसे हम एन सी जीरो या फिर कुछ भी वैल्यू है, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल, इसे हम बोलते हैं आर आर करके लिखते हैं, अगर जीरो से नहीं, एन सी आर, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसकी वैल्यू ये होती है, और यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये बाइनोमियल कोफिशियंट होता है, राइट। तो जब हमने एक्सपेंड किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स की पावर है, यहाँ पे भी एक्स की पावर है, राइट, बस केवल लास्ट टर्म ऐसी बचती है जिसमें कि एक्स की पावर आपकी जीरो हो जाती है, मतलब एक्स की पावर जीरो, एक्स एक रियल नंबर, तो ये वन हो जाएगा, मतलब लास्ट टर्म में आपकी एक्स की पावर इंक्लूड नहीं हो रही, ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इस टर्म को एक्स
या x के किसी फैक्टर से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इस टर्म को x या x के किसी फैक्टर से डिवाइड करता हूँ, तो आप चेक करेंगे इसमें x की पावर है, आपके सभी टर्म में n तक x की पावर है, तो वो सब बिल्कुल डिविजिबल होंगे, राइट, तो उनका रिमाइंडर आपका जीरो होगा, मतलब पूरी टर्म आपके डिविजिबल होंगी, केवल एक टर्म ऐसी होगी जो डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है, राइट, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसमें जो क्या होगा आपका, आपकी सारी टर्म डिविजिबल होंगी, और केवल यहाँ पे हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अगर हम पूरी फंक्शन को x से या फैक्टर से या x से हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा या फिर ये इससे डिविजिबल है या नहीं, केवल हमें y की पावर n को चेक करना होता है, क्योंकि और जो सारी टर्म्स है वो पूरी x से आपकी डिविजिबल होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, जस्ट अ मिनट, राइट, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम कंबाइन फॉर्म में लिखें, वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, k इक्वल टू जीरो टू n, ठीक है, n c k, x की पावर n माइनस k और y की पावर k, ठीक है, इस तरह से ये कंबाइन फॉर्म है, सिग्मा फॉर्म है इसकी ये, ठीक है, राइट, अब मैं एक काम करते हैं, ठीक है, हम इसे जनरलाइज फॉर्म से आप स्पेसिफिक फॉर्म में लेके चलते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्म में लिखते हैं आप बाइनोमियल थ्योरम को, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं n की जगह केवल दो टर्म लेता हूँ, ठीक है, जैसे x प्लस वाई की पावर 2, ये आप जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये कैसे आया, ठीक है, आपको यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन से ही आता है ये सारा फॉर्मूला, ठीक है, जैसे कि n c 0 होगा, ठीक है, x की पावर क्या होगी 2 होगी और y की पावर क्या होगी 0, ठीक है, क्योंकि x की पावर आपकी घटती जाती है, y की पावर बढ़ती जाती है, और ये आपका 0 से लेके जितना आपके, तो इसमें आगे क्या लिख सकते हैं हम, एन सी वन एक्स की पावर 1 और y की पावर 1 प्लस आपका क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 है, तो मैं डायरेक्ट 2 ही लिख लेता हूँ, 2c1, ठीक है, 2c0, और आगे आपका 2c2 एक्स की पावर 0 और y की पावर 2, ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन होगा बाइनोमियल थ्योरम में, जनरलाइज फॉर्म में आपको बताया, ये स्पेसिफिक फॉर्म है, अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये आपका 2c2, ये आपका बाइनोमियल कोफिशियंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, तो मतलब फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, 1, एक्स स्क्वायर y की पावर 0 क्या होगी, ये भी 1 होगी, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, 2c1 की वैल्यू, 2c1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n पॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2:1 अपॉन 1:1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है, ये आपकी 2 आ गई है, मतलब 2c1 की वैल्यू आपकी आ गई 2, यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, ठीक है, इसी प्रकार आपका 2c2, ठीक है, 2c2 इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि आपका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 2c0, ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस r, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2, ये भी 1 ही आएगी आपकी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये अगर हमने बाइनोमियल थ्योरम से ही आपका ये आया स्पेसिफिक फॉर्म में, जब हम n इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, तो आपको पता चल गया आज ये कहाँ से आता है फॉर्मूला, ये सब बाइनोमियल थ्योरम के स्पेसिफिक
फॉर्म है जब हम n की वैल्यू को कोई लिमिटेशन में रखते हैं, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू हमने 2 रखी, इसी तरह से आपके अदर फॉर्मूले भी आपके जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका x प्लस वाई की पावर 3, ठीक है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये भी आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे आपके ये फॉर्मूले आ जाते हैं। बस इसके आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ये किस तरह से आते हैं, किस तरह से जनरेट होते हैं। अब आपको बेसिक पता है कि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद आपका ये होता है, ठीक है। इसका मैं इसका पर्पज़ क्या है मैं पढ़ाने का, वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू हम समझेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, 18 एक नंबर लेते हैं, राइट, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा 17, इसकी पावर हमें दी है 200, राइट, और हमें इसे डिवाइड करना है 18 से, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। हमने क्या किया, 17 की पावर 200 है और हमें 18 से इसका रिमाइंडर पता लगाना है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम 17 को इस तरह से डिवाइड तोड़ते हैं कि आपका ये 18 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हो जाए, या इस तरह से, मतलब मैं 17 को क्या लिख सकता हूँ, 18 माइनस 1, ठीक है, इसकी पावर 200। अब मुझे 18 से डिवाइड करना है, आप चेक कर रहे होंगे ये वही फॉर्म आ गई, x प्लस वाई, मतलब यहाँ y की जगह माइनस 1 है बस, ठीक है, y की जगह यहाँ पे हमने माइनस 1 कर दिया है, ये y की वैल्यू है, ये y की जगह माइनस 1 है, ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए, राइट, y की जगह माइनस 1 है। तो आपकी जब इसे आप 18 से या फिर 18 के किसी मल्टीपल से आप डिवाइड करेंगे, तो आप जानते हैं कि जब हम इस फॉर्म को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे करने लगे तो ये आपका बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी, बट हम जानते हैं कि जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं केवल लास्ट टर्म होती है जिसमें कि आपका 18 की टर्म नहीं आएगी, अदरवाइज सब टर्म में हमारा 18 की वैल्यू आती है, जैसे कि ये एक्स है और ये वाई है, केवल लास्ट टर्म में नहीं आएगी। तो लास्ट टर्म क्या होगी, ये आपका डायरेक्ट डिवाइड होगा और माइनस 1 की पावर 200, ठीक है, ये हम 18 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस 1 की पावर इवन है तो ये आपका 1 आएगा, ठीक है, और इसे हम 18 से डिवाइड करेंगे तो जैसे कि आपका रिमाइंडर आया है आपका 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम पे ही बेस्ड है, ठीक है, हमें 17 को इस तरह से तोड़ना है, ठीक है, कि 18 के फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है। तो 18 माइनस 1, जब हम जानते हैं कि इसकी टर्म ये आपका डायरेक्ट डिवाइड हो जाती है सारी टर्म, केवल लास्ट टर्म होती हैं जो वाई की है वो हमें चेक करनी होती है, तो वाई की पावर आपकी इवन है, मतलब माइनस 1 की पावर इवन है तो ये आपका 1 ही होता है, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये बाइनोमियल थ्योरम पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, राइट, इसे आप नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक नंबर है आपका, एक फंक्शन है 9 की पावर 6 माइनस 11, ठीक है, 9 की पावर 6 माइनस 11, और हमें इसे डिवाइड करना है 8 से और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, किसे 8 से करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलिए करते हैं। इसे हमें 8 से डिवाइड करके चेक करना है, तो हम जैसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टर्म्स ले लेते हैं, इसको हम 9 की पावर 6 इसे 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और ये आपका 11 है, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, राइट, या तो आप घटा सकते हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे उसके बाद हम चेक कर लेंगे। जैसे 9 की पावर 6 है, इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो हम 9 की पावर 6 को 8 के फैक्टर में किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 की पावर 6, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है।
तो हम जानते हैं वही आपका सेम है, जो आपका 8 है ये तो आपका डिविजिबल है, केवल आपको लास्ट टर्म देखनी है, ठीक है। ये जो y है बस इसी की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 1 की पावर 6 1 होता है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। इस टर्म को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 1, और 1 माइनस 11 ये आपका यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 11, ठीक है। अब इसे हमें 8 से डिवाइड करना है, तो ये आपका -10, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर को डिवाइड करके देखना है। तो हमने ये टर्म ली, इस टर्म को 8 के फैक्टर के फॉर्म में 8+1 करेंगे, तो 8 तो आपका डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 1 की पावर 6 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर इस फैक्टर का 1 आया, बट ये -11 है, तो 1 माइनस 11 -10। अब -10 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर आपका माइनस नेगेटिव में नहीं होता। तो ये दो तरह से कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो या तो आप एक बार जैसे आप करेंगे 8 और -2 बचेगा, ठीक है, -2 में आप 8 जोड़ देंगे तो आंसर जाएगा +6, ठीक है। जब आप -10 में एक बार चलाएंगे +8, तो +8 में -10 हुआ तो -2 बचा, और -2 क्योंकि हमारा रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी हमारा रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा, तो इसमें +8 करेंगे तो आपका +6 होगा। तो इससे क्या आता है कि जो हमारा आंसर आया वो +6 होगा, 9 की पावर 6 -11/8 को हमें डिवाइड करने के बाद। यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं, और अच्छी तरह से क्लियर होगा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, ये कोई आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें चेक करना है, ठीक है, ये 23 से डिविजिबल करना है, और उसके बाद चेक करना है कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। अगर ये फुल्ली आपका पूरा डिविजिबल है तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, अदरवाइज इसे डिवाइड करके हमें चेक करना है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हम क्या करेंगे, ये टर्म है आपकी 23, तो ये तो फुल्ली आपकी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, 23 की पावर समथिंग है, तो 23 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका डिविजिबल, यहाँ तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ तो आपका 0 आएगा, इसे तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें बस इन दोनों का चेक करना है, फिर जो इन दोनों का कंबाइंड रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मैं इसे 23 की टर्म में अगर लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 29, मतलब इसे 23 -6 की पावर 46, यहाँ तक लिखूँ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। प्लस 17 को क्या मैं लिखूँगा, मैं आपको 23 +6 की पावर 47, इसे मैं डिवाइड किससे करना है, 23 से, राइट। तो अब हम इसे सेम वही बात आ गई है उसकी, जैसे कि ये फर्स्ट टाइम आपका 23 का मल्टीपल है, तो इसका तो रिमाइंडर सारी टर्म्स का 0 होगा, बस आपकी लास्ट टर्म चेक करनी होती है हमारी, -6 की पावर 47 प्लस, ठीक है, ये पास पास हो गया, थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, राइट, -6 की पावर 47 प्लस, ये आपका क्या होगा, +6 की पावर 47, और हमें डिवाइड किससे करना है, चेक करना है 23 से, ठीक है। तो जब हम माइनस की पावर ओड लेते हैं तो ये नेगेटिव ही होता है, तो ये आपका नेगेटिव नंबर हो जाएगा, राइट, और ये आपका पॉजिटिव का आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका फुल्ली डिवाइड हो गया, ये आपका जो रिमाइंडर आएगा ये 0, मतलब इसका जो आंसर आएगा आपको वो 0 आएगा, ठीक है, राइट। तो इससे हम 23 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0, ये आपको पता चल गया। बट ये आपको ध्यान रखना है, बाइनोमियल थ्योरम, ये आपका जो पहली टर्म है ये आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर होता है, तो वो आपका कट जाएगा, बस लास्ट टर्म पे आपको ध्यान देना होता है, तो लास्ट टर्म से लास्ट टर्म आपकी कट जाएगी, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये आपका 0 है, ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर आए हैं, ठीक है, तो इस पर और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, राइट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आ भी सकते हैं आने वाले एग्जामों में, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें दिया गया है, मैं रीड करता हूँ, इफ आ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36, कोई नंबर है हम उसे 36 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 23, राइट।
इफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 देन व्हाट इज द रिमाइंडर. ठीक है, इसमें आपको जैसे करेंगे इसमें बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक यूज होता है. ठीक है, बट आप क्या करते हैं रट लेते हैं, आपको पता नहीं होता उस चीज़ का. मैं आपको बताऊंगा, कोई भी नंबर है हमने 36 से डिवाइड करा, जैसे कि आप जानते हैं किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं. ठीक है, वो नंबर कैसे आता है, मान लीजिए एन नंबर है 36 से डिवाइड किया तो 36 कोई इसका क्वेश्चेंट होगा क्यू प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 23, ये आपका कोई नंबर होगा. वो आप जानते हैं मैंने आपको बताया था. ठीक है, जो डिवाइजर होगा डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, जो भाज्य होता है उसमें आपका भागफल को मल्टीप्लाई करके प्लस आपका शेषफल जोड़ देते हैं तो नंबर आ जाता है. राइट, तो ये नंबर होगा. अब यही पूछ रहा है कि इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 एंड लीव्स रिमाइंडर 23, तो हमने वो नंबर निकाल लिया. इफ़ द क्यूब ऑफ दिस नंबर, हम अगर इस नंबर की क्यूब करते हैं, क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 देन व्हाट इज द रिमाइंडर, ये पूछ रहा है. ठीक है, आपको सेम उसी तरफ से आ रहा है, आपका कोई दो टर्म है राइट, और हमें क्या करना है इसे 12 से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर बताना है. ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, आपको मैं जैसे बताएगा, फर्स्ट टर्म हमेशा आपकी मल्टीपल होती है. ठीक है, लास्ट लो केवल, जैसे कि 36 से आपका इसका मल्टीपल है तो ये आपका रिमाइंडर जीरो ही होता है, केवल आपका लास्ट टर्म का रिमाइंडर आपको चेक करना होता है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो आप किसका रिमाइंडर चेक करेंगे, 23 की क्यूब अपॉन 12 का. यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये भी जैसे कि हम पता है कि जो फर्स्ट टर्म है ये एक्स है, जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये सभी टर्म में ये वाली टर्म तो आनी आनी है, ये एक्स है आपकी. ठीक है, केवल लास्ट टर्म होगी जिसमें ये वैल्यू नहीं आएगी. ठीक है, वो आपकी डिविजिबल नहीं होगा, अदरवाइज जितनी भी टर्म एक्सपेंड करके आती है, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आपको बस पता होना चाहिए ये बेसिक चीज़ें. अदरवाइज एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको बस डायरेक्ट आपको 23 को चेक करना है और आपको रिमाइंडर निकाल देना है. बट ये बेसिक बातें ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, कि किस तरह से आता है ये, हम क्यों करते हैं इसे. ठीक है, तो आपका जो लास्ट टर्म होगी, जैसे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया था उसमें केवल आपके जो फर्स्ट टर्म वाले की वैल्यू नहीं होती, टर्म्स नहीं होती, तो इसका रिमाइंडर हमें चेक करेंगे, हमारा आंसर होगा. तो हम इसे अब कैसे फर्दर लिख सकते हैं, 23 को हम 12 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसे 24 माइनस 1 करता हूँ, सॉरी, ठीक है, 24 माइनस 1 की क्यूब अपॉन 12. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? लिख सकता हूँ इसे मैं ऐसे, फिर से आपका वही केस बन गया. ये जो टर्म है आपकी, ये तो आपकी मल्टीपल होगी, इसका जो आपका रिमाइंडर आएगा जीरो आएगा, हमें बस माइनस वन की क्यूब का रिमाइंडर चेक करना है. तो हम जैसे देख रहे हैं माइनस वन की क्यूब, तो ये माइनस वन ही होता है, तो ये आपका माइनस वन रिमाइंडर हो गया. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो हम जानते हैं कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता. ठीक है, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होगा, अगर माइनस में कभी रिमाइंडर आ रहा है तो उसमें जो आपका डिविजर है उसे आप प्लस करेंगे, इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा प्लस 11. यहाँ तक ये आपका आंसर होगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और ये बाइनोमियल थ्योरम पे ही बेस्ड क्वेश्चन है. बस आपको डायरेक्ट चेक करना है 23 का, उसे फैक्टर करके 23 12 के उसमें, जैसे कि 24 है उस तरह से फैक्टर करना है आपको जैसे 23 को, तो जो जिससे जो आपका डिविजर है उसके फैक्टर में आप टर्म में तोड़ना है आपको. जैसे कि 23 को मैं 24 माइनस 1 लिख सकता हूँ, और 24 का फैक्टर एक 12 है राइट. तो ये जो आपकी फर्स्ट संख्या होगी ये आपका डिविजर की या तो वही संख्या होनी चाहिए या उसका कोई मल्टीपल होना चाहिए. सिंपली आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? एक क्वेश्चन और लेते हैं. ठीक है, और अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा राइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 225 राइट, 225 225 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो रिमाइंडर हमारा आता है 70 राइट. बट व्हेन अ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर डिवाइड करेंगे 15 से तो व्हाट इज द रिमाइंडर, ये आपको पूछा गया है. ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए.
तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हम 225 से नंबर कैसे आएगा, वो 225 ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका आता है 70, तो ये आपका नंबर हो जाएगा ठीक है, ये आपका नंबर हो जाएगा ठीक है, 225 मतलब डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आपका नंबर हो जाता है ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ और इसे मैं 15 से डिवाइड करता हूँ, यही पूछ रहा है आपका, तो रिमाइंडर क्या होगा ठीक है, सिंपल यही पूछ रहा है आपसे ठीक है। तो करते हैं इसे, जैसे कि हमें फर्स्ट टर्म आपका 15 का मल्टीपल है तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, हम डायरेक्ट 70 का चेक करना है ठीक है। तो 70 का स्क्वायर अपॉन 15, इसका रिमाइंडर हमारा चेक कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 70 को 15 के मल्टीपल की टर्म में आपको तोड़ना होता है ठीक है, जैसे हम 60 + 10 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर अपॉन 15 ठीक है। तो ये फिर से आपका 60 का मल्टीपल है तो इसका रिमाइंडर आपका 0 होगा, केवल 10 के 10 का स्क्वायर अपॉन 15 का रिमाइंडर हमें चेक करना है। यहाँ तक कोई समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है ठीक है। तो 10 का स्क्वायर आपका ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 को अगर 15 से डिवाइड करूँगा, 15 * 90 तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 ठीक है, 10 रिमाइंडर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका, 10 क्या आंसर होगा आपका। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, समझते हैं इसको। जैसे कि हमने बताया इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 225 तो रिमाइंडर आपका 70 आता है, तो हमने नंबर निकाल लिया उससे। वो पूछ रहा है अगर इस नंबर का स्क्वायर हम 15 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में पता है जो फर्स्ट टर्म होती है अगर इसकी मल्टीपल हो तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो हमें केवल लास्ट टर्म चेक करनी होती है। लास्ट टर्म को हमने फर्दर 15 के मल्टीपल के रूप उसमें तोड़ा, तो ये 60 + 10 को तोड़ा, 60 15 का मल्टीपल है तो इसका रिमाइंडर 0 होगा, बस 10² / 15 का देखना था हमें, 100 को 15 से डिवाइड करेंगे 10 रिमाइंडर आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें जो बेसिक यूज है वो आपका बाइनोमियल थ्योरम का ही यूज है बेसिक। यही मैं आपको, मेरा बताने का पर्पज ही है कि आपको समझ में आए कि चीज़ें आती कहाँ से हैं। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको देखना है और डायरेक्ट आपको ये टर्म उठानी है और आंसर लिख देना है, एग्जाम में इस तरह से करना है ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन है आपका 2^243 को अगर हम 3^2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ठीक है, मैं इसमें भी बताऊंगा, इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कैसे होगा ठीक है। राइट, अब कुछ चीज़ें रटनी नहीं है, समझ के समझनी है, फिर आपको याद तो अपने आप रह जाएंगे अगर आपको समझी हुई है। तो इसको मैं 9 लिख सकता हूँ ठीक है, आपके 9 3^2 2^ समथिंग है। तो जैसे कि हमें चेक करना होता है कि 9 के मल्टीपल या उसके आसपास हमें लिखना होता है, तो 2^3 अगर मैं लिखता हूँ इसको, मैं 2^3 2 × 2 = 8 इसका हमारा 9 के बिल्कुल करीब है, तो 8+1 या 8+1 के रूम में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपका 2^3 लिखा, क्योंकि इसके आपके मल्टीपल के रूप में लिखना होता है जो नीचे जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो 2^3 / 81 ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2^3 को, 8^81/9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसे फर्दर हम कैसे लिखेंगे, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 - 1/81/9, ये फर्दर आपका उसी फॉर्म में आ गया है ठीक है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे हम जैसे चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म इसका 9 का मल्टीपल है तो इसका रिमाइंडर 0 होगा ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा आपका ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये आपका -1^81 का चेक करना है हमें 9 से, तो -1^ आपका ओड है तो ये आपका -1 ही हो जाएगा। बट हम जैसे जानते हैं कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसमें 9 जोड़ेंगे, डिवाइजर जोड़ेंगे, तो इसका मतलब आपका रिमाइंडर आएगा 8। तो अगर हम 2^243 को डिवाइड करते हैं 3^2 से तो आपका रिमाइंडर आता है 8 ठीक है। सिंपली आपको इस तरह से तोड़ना है कि 9 के मल्टीपल में हम इसे लिख सकें, बस वो ध्यान रखना है, और फिर इसके आपको पता ही है बाइनोमियल थ्योरम के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाता है ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 3 की पावर फैक्टोरियल 61 है, उसे हमें 80 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा है इसमें। ठीक है, करते हैं इसे। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि फैक्टोरियल हम नेक्स्ट क्लास, आने वाली क्लास में पूरा अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक जानेंगे, अभी के लिए तो आपको जानना है। ठीक है, अगर फैक्टोरियल आपका 4 से ज़्यादा है, क्योंकि फैक्टोरियल कैसे खुलता है, ये फैक्टोरियल 4 है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अगर फैक्टोरियल आपका 4 से ज़्यादा है तो ये 4 का मल्टीपल होता है, और जो 4 का मल्टीपल होता है वो भी इवन होता है, क्योंकि आपका 2 भी आ रहा है इसमें, 4 भी आ रहा है, 4 का मल्टीपल तो हो गया। ठीक है, प्लस 6, इसमें जैसे 6 वैल्यू है, और इसमें अगर फैक्टोरियल 5, 6, 7 और मैं डेस करता चला जाऊँ, तो इसमें आपका 4 का मल्टीपल तो होगा वो वैल्यू, प्लस ये आपकी जो आगे वैल्यू आएगी वो इवन होगी, मतलब 4n के टर्म में होगा। यहाँ से तक कोई प्रॉब्लम है? राइट, ये n आपका इवन होगा और 4 का मल्टीपल होगा, बस ये आपको यहाँ पे फैक्टोरियल का अभी के लिए इतना जानना जरूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट आने वाली क्लास में फैक्टोरियल आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और सब कुछ कवर करेंगे हम यहाँ पे, सब कुछ आपका जितना भी यहाँ पे मुखर्जी नगर में जितना भी मटेरियल आपको पेड कोर्सेस में या कैसे भी आपको पढ़ाया जाता है ना, हम सारे पॉइंट यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, आपको मैं पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा। राइट, मतलब एक एक आपका पॉइंट, आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं यहाँ से। ठीक है, फिर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो पढ़नी है और वीडियो देखनी है और आपकी प्रैक्टिस करनी है सेल्फ। राइट, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल 61 है, जैसे मैंने बताया कि ये आपका 4 आपका मल्टीपल होगा, तो हम किस तरह से इसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, राइट, और समथिंग यहाँ पे n मान लीजिए, तो ये भी आपका इवन नंबर होगा, जैसे मैंने अभी बताया फैक्टोरियल 4 को आपको एक्सपेंड करके, ये तो फैक्टोरियल 61 है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंड होता चला जाता है, 5 गुना चाहिए 61 लो। ठीक है, ये वैल्यू होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर n, n यहाँ पे क्या है, इवन है, n क्या है हमारा, इवन नंबर होगा। राइट, अपॉन 80, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 की पावर n, n हमारा इवन है हमें पता है, और यहाँ पे अभी इस केस में तो ठीक है, अभी चेक करता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 80 की पावर में तोड़ेंगे, 80-1 लिख सकता हूँ मैं, उसकी पावर n और 80, यहाँ पे n की वैल्यू पे हमारा डिपेंड करता है जो हमारा रिमाइंडर आने वाला है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे तो इवन है, अगर ये बाय चांस ओड होता तो हमारा रिमाइंडर -1 होता, फिर हमें 80 प्लस पर करके निकालना होता था, बट हमारा यहाँ पे जो n की वैल्यू है ये इवन है, तो आपकी फर्स्ट टर्म तो आपको पता है इसका रिमाइंडर 0 होगा, तो -1 की पावर n जो होगा आपका रिमाइंडर होगा, तो -1 की पावर इवन अगर लेते हैं तो आपका 1 ही आएगा, तो इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर आएगा इसका वो आपका 1 आएगा। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर आया आपका 1 आएगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा इसका रिमाइंडर वो 1 होगा। सिंपल है, ये भी बाइनोमियल थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, बस आपको ये डायरेक्ट रटा दिया जाता है कि आप यहाँ पे यूनिटी लीजिए, इस तरह से तोड़िए कि आप यूनिटी में तोड़ के तब करें। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में देखें बेसिक चीज़ इसमें बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, बस ये आपको क्लियरिटी के लिए है, आपको एग्ज़ाम में बस ऐसे ही करना है, एग्ज़ाम में देखना आपको 81, फिर उसके इस तरह से फैक्टर करना है और फिर लास्ट टर्म का डिविजन हमें देखना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी इतना काफ़ी है इस वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में मैं अभी जल्दी लेके आने वाला हूँ, जैसे कि अभी हमारा काफ़ी रह रहा है, अभी हम यूनिट डिजिट करेंगे, अभी हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, अभी हम नंबर ऑफ जीरोस करेंगे, फिर उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं, और अभी जो SSC CGL मेंस में जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि अभी जो रिसेंट क्वेश्चन है, वो भी सब हम यहाँ पे करने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, इस तरह से कि जिस तरह से आपका एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है। ठीक है, पहले बेसिक क्लियर करिएगा, फिर धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। राइट, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और आपके जो भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पे हो, वेदर आपके इसके टेलीग्राम है या फिर फेसबुक है, जो भी आपके ग्रुप है, सब में आप ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है,
ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करें और आपके लिए बेस्ट पॉसिबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल जल्दी लेके आ रहा हूँ, राइट। जब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिएगा।